नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, जेंट स्वेटर में, हाफ में, फुल में, पुलोवर में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 3 फंदा एक्स्ट्रा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो डिज़ाइन मैं इसी के ऊपर बना रही हूँ, आप इसे पहली लाइन समझें। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे या फिर सीधा बुन लेंगे, अगला फंदा उल्टा, फिर उन दूसरी ओर करेंगे और दूसरे और तीसरे बैक साइड से दूसरे और तीसरे फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे और पहले फंदे को हमें 2 फंदे के बाद करना है। तीनों फंदों को बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे और तीनों को सीधा बुन लेंगे। अगला फंदा उल्टा। पहले फंदे को 2 फंदों के बाद करना है, तो दाहिने हाथ के सिलाई को दूसरे और तीसरे फंदे में ऐसे बैक साइड से डालेंगे और फंदों को गिरा लेंगे। अब पहले फंदे को बाएं सिलाई में लेंगे और दूसरे और तीसरे फंदे को खींचकर वापस बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे। अब तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। अगला फंदा उल्टा, फिर उन दूसरी ओर करेंगे और पहले फंदे को 2 फंदे के बाद करना है, तो दाहिनी हाथ की सिलाई को पीछे से दूसरे और तीसरे फंदे में ऐसे डालेंगे और उतार देंगे। अब पहले फंदे को बाएं सिलाई में ले लेंगे और दूसरे और तीसरे फंदे को वापस खींच के बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे और तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। अगला फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे, दूसरे और तीसरे फंदे में ऐसे पीछे से सिलाई डालेंगे और तीनों फंदों को गिरा लेंगे। अब पहले फंदे को बाएं सिलाई में लेंगे और इसे दूसरे और तीसरे फंदे को खींचकर बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे। अब तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे और अगला फंदा उल्टा। देखिए, इन 3 फंदों में पहले फंदे को तीसरे फंदे की जगह पे करना है, तो दूसरे और तीसरे फंदे में ऐसे पीछे से सिलाई डालेंगे और पहले फंदे को बाएं सिलाई में चढ़ा लेंगे और दूसरे तीसरे फंदे को खींचकर बाएं सिलाई में वापस चढ़ा देंगे। अब तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे अगला फंदा उल्टा, फिर उन दूसरी ओर करेंगे। देखिए, 3 फंदे हैं, तो पहले फंदे को 2 फंदों के बाद करना है। तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे अगला फंदा उल्टा और लास्ट फंदा सीधा। सेकेंड रो और रॉन्ग साइड, पहला फंदा उल्टा बुनेंगे या स्लिप करेंगे, अगला फंदा सीधा, फिर 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, फिर अगला फंदा सीधा। जो हमने इधर से उल्टा बुना था, अब वो इधर पीछे से सीधा हो जाएगा। तो चौथा फंदा सीधा, फिर 3 फंदे उल्टे, 1, 2,
तीन और चौथा फंदा सीधा, फिर तीन फंदे उल्टे और चौथा फंदा सीधा। ऐसे ही करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तीन फंदा उल्टा, दो तीन और चौथा फंदा सीधा। तीन फंदा उल्टा और चौथा फंदा सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर दी गई है। लास्ट फंदा एज स्टिच है, उसे हम उल्टा बुन लेंगे। थर्ड रो और फ्रंट साइड। अब पहला फंदा स्लिप करेंगे या सीधा बुन लेंगे, अगला फंदा उल्टा, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, अगला फंदा उल्टा, फिर तीन फंदे सीधे, फिर अगला फंदा उल्टा, फिर तीन फंदे सीधे और अगला फंदा उल्टा, फिर तीन फंदे सीधे और अगला फंदा उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड और फोर्थ रो। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे या उल्टा बुन लेंगे, अगला फंदा सीधा, फिर तीन फंदे उल्टे, सामने से जो हमने तीन फंदे सीधे बुने थे अब पीछे से वो तीन फंदे उल्टे हो जाएंगे, और एक फंदा उल्टा था तो वो सीधा हो जाएगा, और ये तीन फंदे सीधे थे तो पीछे से तीन फंदे उल्टे हो जाएंगे। तो तीन फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, चार ही लाइन का ये डिजाइन है और डिजाइन बनके तैयार है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप भी अपने स्वेटर में इसे बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।